जामिया फैज़ आम देवगांव में दो बच्चों के हिफ्ज मुकम्मल करने पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। आज गुरुवार को जामिया फैज़ आम देवगांव में दो बच्चों अहमद वकास पुत्र हबीबुर रहमान कासमी निवासी अंबेडकर नगर हाल पता जामिया फैज़ आम देवगांव और मोहम्मद अनस पुत्र मोहम्मद अख्तर निवासी ग्राम मदारपुर जनपद आजमगढ़ के हिफ्ज कुरान मुकम्मल करने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कुरान की आयत को पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात अध्यक्षता करते हुए नाजिम मौलाना हबीबुर रहमान कासमी ने कहा कि कुरान एक मुकद्दस किताब है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले रखी है। उन्होंने कहा इसे कंठस्थ याद करके हाफिज बनना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इसके बावजूद इसे कंठस्थ याद करके जो बच्चे हाफिज बनते हैं वो महान होते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में भी काफी इज्जत की जाती है और आखिरत में भी अल्लाह ताला इन्हें अपनी नेमत से नवाजेगा। उन्होंने तमाम उपस्थित छात्रों से कहा कि वक्त की कद्र किया करें, क्योंकि जो वक्त की कद्र नहीं करता कभी भी उसकी वक्त कद्र नहीं करता। उन्होंने कहा कि जिस मजलिस में कुरान पढ़ा और सुना जाता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, इसलिए ऐसी मजलिसों में बैठना चाहिए। इस मौके पर कारी अजहर नरियाव, कारी महफूज अहमद, मौलाना राशिद कासमी, मुफ्ती अब्दुल कादिर, मौलाना खालिद, मौलाना खुर्शीद, कारी खालिद, मौलाना एजाज तुफेल अहमद, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद तसव्वुर, मोहम्मद सालेह आदि मौजूद रहे। अंत में मौलाना हबीबुर रहमान कासमी की दुआ के बाद कार्यक्रम समाप्त घोषित किया गया। जानते हैं जिंदगी कुछ सीखा ही है,
قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صحت سے بیماری کیا نکلتی ہے صحت کی آج سے بگڑ کے اگلے کا اور یہاں بگڑنا نکلتا ہے خبر نہیں لگتی
फैसला किया उसको भरता ही चढ़ता ही करता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूँ जैसे जमा इंटरनेट के बनता है अपने आप को बनाने की अपने आप को खा लिया बन जाए कोई गोरा हो सकता है कोई काला कोई लंबा हो सकता है कोई काटा हो सकता है कोई ईमानदार हो सकता है कोई गरीब हो सकता है ये हो सकता है लेकिन आदमी बनने के बाद सबका चांस बना है सबका चांस बना है। तो ये अपने से आदमी से कोई भी चाहे तो आज से बनना शुरू कर दे और इसी तरीके से बनना चाहे Yeah.